उपस्थित हमारे श्रोता बंधु, आपके सामने स्टूडियो में दर्शाने जा रहे हैं एक छोटी सी कथा जो भागवत कथा में पहले दिन की ही कथा आती है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, इनके यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इधर तो दक्षिण दिश में मित्र पर सुनो लगा कर ध्यान, पंडित चतुर प्रवीण था आत्मदेव थाना। मैं संजू यादव भगवंतपुर से, श्री अशोक शास्त्री जी इनका मैं सुपुत्र हूं। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सर्वोत्तम नगर बसा हुआ था, उसी नगर के अंदर ब्राह्मण देव रहा करते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली और ब्राह्मण देव ये बहुत बड़ी चिंता में फंसे हुए थे। कैसे ब्राह्मण थे? तो आत्मदेव एक ब्राह्मण थे और ना घर में कोई संतान भई। आंगन की छपी अधूरी थी, महारानी भी है रानु भई। क्या लीला है नारायण की, तब दुख किसी को न देता है। इधर ब्राह्मण देव इतनी बड़ी चिंता में फंसे हुए थे, इनके यहां कोई संतान नहीं थी और इनकी पत्नी जो थी धुंधली अपने दिल में विचार करने लगी, हाय प्रभु मेरा क्या होगा अगर मेरे यहां संतान नहीं है। मेरा घर आंगन सुना सुना नजर आ रहा है। और धुंधली क्या सोचने लगी है, अरे देख पति की गति, धुंधली सोच करे भारी। तेरी रक्षा नहीं करोगे? और बोली, मेरे नाये हो पे संतान बैठ गए हमारे तलवारी, मेरे नाये हो पे संतान लूट गए हमारे बनवारी। Thank you.
इधर ब्राह्मण देव अपने घर को छोड़ करके और जंगल के लिए जब प्रस्थान किया है, जंगल में जाकर के और ये पहुंचे हैं ब्राह्मण देव, तो उधर अपने मन में सोचते हुए जा रहे हे प्रभु, शायद मेरा कौन सा संस्कार ऐसा हुआ है जो मेरे घर में कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। और इधर हुआ क्या, ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे पीतना देव कहने लगे हैं हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं मिली। तो ब्राह्मण देव जाकर के जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के इनको बाबा नारद से भेंटा हुआ है। बाबा नारद कहने लगे, कहिए कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, बाबा ये तो तुम्हें पता है मैं क्यों इस जंगल में आया हूं। बाबा नारद कहने लगे, ब्राह्मण देव माफ करें, जिस चाह में आप आए हो वो चाह तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती है। और बोले हैं, अब तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे यहां संतान नहीं हो सकती। एकदम से उनके पैरों में पड़ गए ब्राह्मण देव। कहने लगे, बाबा अगर मेरे यहां कोई संतान नहीं हुई तो मैं प्राणों की आहुति दे दूंगा यहां पर। तो इधर एक हट ब्राह्मण देव जब पड़े गए, तो उधर बाबा नारद कौन सा कर्म करते हैं, श्वास साधु ने अपनी झोली से के फल को दादा निकालो।
हर की लीला या परंपर कथाई सुनो उधर ब्राह्मण देव के हाथ में और फल झोली में से निकाल करके दे दिया है बाबा नारद ने। जब नारद ने फल दे दिया तो ब्राह्मण देव वहां से जब चले हैं जंगल को छोड़ करके अपने महलों की रास्ता और निहारिए ब्राह्मण देव कैसे चले आए रहे। तो धीरे धीरे ब्राह्मणा चल भोए भमर कलिन पे चल करके अपने महलों में आए। महलों में जैसे आए तो महारानी साहिबा अपने आंगन में बैठी हुई थी। उधर जाकर के फल को अपनी रानी धुंधली को दिया है और क्या सोचते हुए जा रहे हैं। तो सुन साधु की बात को मगन भय नरपाल महारानी को संगले चल दीने तत्काल प्राण प्रिया को महल में और दीनी कथा सुनाए करी प्रणाम भगवान उधर ब्राह्मणी सोच रही है कि इस फल को मैं कैसे खाऊंगी। अगर इस फल को मैं खा गई तो मेरे गर्भ रह जाएगा और गर्भ रह गया तो उधर प्रसव की पीड़ाओं से मुझे बहुत बड़ा कष्ट होगा। और बोली है क्या बोली कि फल खाने से रह गया गर्भ अकेली गर्भ गिर जाएगा। हे बहन प्रसव हे बहन महल में पड़े पड़े ये माटी कौन सड़ाएगा। छुट जाए
जवाब दिया। इधर कहने लगी है, इस फल को अगर मैंने खा लिया तो मेरी गर्व रह जाएगा, अगर गर्व रह गया तो मैं मारी जाऊंगी और प्रसव की पीड़ा मुझसे सही नहीं जाएगी। भैया सुवास, तुम तो हंस रहे हो, लेकिन उस धुंधली के दिल पर जाकर के उसे दिल के पूछो। उधर विधि का विधान, धुंधली क्या करने जा रही है, जिस समय इसके यहां कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, गाय को पाला, गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, एक वृक्ष को आंगन में लगाया लेकिन वृक्ष पे कोई फल नहीं आया, इतना दुखी ब्राह्मण देव होकर के भी और फिर भी अपने कार्यों में लगा पड़ा था। इधर उसी समय उस धुंधली ने कौन सा कर्म किया, उसकी छोटी बहन उसके पास आ जाती है, बोली है, बहन तुम संतान की चाह में इतने व्याकुल हो तो जिस समय का तुम्हारे पास ये फल आया है उसी समय का मेरे गर्व है, तो मैं अपना बच्चा देकर के तुम्हें और तुम्हारे पति को बहला दूंगी, समझा दूंगी, बहन मैं तुम्हारे पास रहूंगी, लेकिन अपने पति को बहकाने का काम तुम्हारा है बहन। और उधर क्या सोचने लगी है, कि फल आए जितना समय हुआ, कि फल आए जितना समय हुआ, तुम्हारे जिस समय का गर्व है उसी समय का मुझे फल मिला है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे बेटा पैदा होगा उस बेटे को ले लेना और कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को जाकर के दे दूंगी और समझा दूंगी। इधर हुआ क्या है,
कुछ ही दिनों में बहन को बहन से संतान प्राप्त होती है। उधर विधि का विधान आगे बढ़ता हुआ चला गया समय, तो मिली बहन को बहन से कुछ दिन में संतान, गऊ के भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुष्य समान। उधर एक बात समझा दे रहा हूं, जो वो फल मिला था, फल ले जा करके उसने अपनी गाय को खिला दिया था धुंधली ने, क्यों कि उस फल को खाने से इस फल की जांच भी हो जाएगी कि गाय गर्भवती रहे या न रहे। उस फल को खाने से गाय गर्भवती रह गई और उस वृक्ष पे भी फल आने लगे, तो गऊ के भी बछड़ा हुआ लेकिन मानव के शरीर की तरह से। काल उसके गाय जैसी थी और उसके जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया था धुंधकारी। धुंधकारी और उसका बेटा जो गाय के पैदा हुआ बछड़ा उसका नाम था गौकर्ण, क्योंकि कान गाय जैसी थी। उधर हुआ क्या, जो धुंधकारी था वो गलत अहवालों में पड़ गया, गलत संगति में पड़ गया, धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। और जो गौकर्ण था, गौकर्ण सुबह से शाम तक जाकर के मंदिरों में जाकर के अपने पूजा पाठ करता है। उधर जब ब्राह्मण देव बहुत दुखी हो गए, दुखी होने के बाद में एक दिन का जिक्र हुआ तो ब्राह्मण देव घर को छोड़ करके और जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्या हुआ, आरे करबाद नकी आदि, रो रहे हैं ब्राह्मण देव। ब्राह्मण के आंसू भर आए,
इधर जब ब्राह्मण देव घर को छोड़ करके वन के लिए जब गए हैं, तो उधर अपनी मैया को मारने लगा, लाठी लेकर के अपनी मां पर वार कर दिया। मां रोने लगी और भगवान से अरदास करने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु क्या मेरी रक्षा नहीं करोगे? हे प्रभु विधाता, आज मेरी लाज को बचा लो। और बोली है मां, ये दुष्ट मेरा बेटा ही और बन गया। और क्या बोली, आंसू भरे आए और बोली है,